नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के आर्ट एंड फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर आज ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन रीवा के सौजन्य से मास्टर शेफ रीवा का पहला आयोजन किया गया। जी हाँ, रीवा के इतिहास में पहली बार मास्टर शेफ का आयोजन किया गया। हमारे साथ रीवा विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने पूरे आयोजन पे बारीकी से नजर रखी, बारीकी से देखी। क्या लगा आपको, किस तरीके के आयोजन के बारे में क्या कैसा कुछ आपको लगा? ये बहुत ही अच्छा आयोजन था, बिंदी के व्यंजन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जरूरत है बिंदी के व्यंजन को नए सिरे से नई पीढ़ी को में ट्रांसफर किया जाए और इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जाए। उस लिहाज से ये आयोजन बहुत सफल रहा है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो रीवा को प्राप्त हुआ है, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जहाँ पर होटल मैनेजमेंट से संबंधित बेरोजगार नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनको आसानी से होटल वगैरह में नौकरी मिल सके। इस सेंटर में इसका आयोजन करके एक बात जो समझ में आ रही है कि लोगों के मन में बघेली व्यंजन खाने की इच्छा रहती है, लेकिन वो कहाँ पर किसको ऑर्डर करें। कुछ लोग तो अपने घर में बना लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं रीवा में जो चाहते हैं कि उनके यहाँ होम डिलीवरी हम कॉल के माध्यम से वो ऑर्डर करें और उनके यहाँ व्यंजन पहुँच जाए। तो आज के कार्यक्रम के बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो उत्साह है हमारे यहाँ के लेडीज में घर में प्रिपरेशन करने का और उसमें और नए फ्लेवर के साथ, तो यदि उसकी हम होम डिलीवरी का सिस्टम यहाँ पर इवॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से प्रमोशन भी होगा, पब्लिसिटी भी होगी और बघेली व्यंजन का पूरे प्रदेश में विस्तार होगा। ये थे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी। रीवा शहर की महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर आज की तारीख की है कि जो घर में अभी तक वो डिश बनाया करती थी, घर के लोग खाया करते थे, अब उन डिशों के लिए एक रजिस्ट्रेशन होगा और उन डिशों से आप पैसे भी कमा सकते हैं।